जी क्या हाल है? पंडित जी वही साला बहुत तकलीफ हो रही है, निकल नहीं रहा है। बवासीर तो नहीं हो गई? हाँ यही तो कुछ का है, गांठ पड़ गई, गांठ। वही तकलीफ हो रही टट्टी पीने में है। अरे लो भाई जान आ गया, भाई जान आ गया। ओए अरे पंडित जी ना हो कुछ यार, धंधा करे, दुनिया आगे बढ़ रही है। वो हवाई जहाज जा रहा है ओए, और मेरे को पीछे बैठे हैं। दुनिया कितनी आगे जा रही, हवाई जहाज ऊपर जा रहा है। ओ क्यों ना हम तीनों मिलके हवाई जहाज खरीदें। हवाई जहाज साइकिल खरीदने की क्षमता नहीं है, हवाई जहाज का बयाना दे रहे हो। ओए तू अपने मुंह से बोला पुत्र। हाँ? जब पांचों उंगलियां एक में बन जाए तो मुट्ठा बन जाता है। हाँ? अरे तो यार सरदार जी पांच उंगली है कहाँ, है तो तीन ही। अरे तीन है मान के बात चल, जिसे पांच उंगलियां बन जाने पे मुट्ठा बन जाता है, वैसे हम तीनों लोग अगर आपस में दो कहें और कुछ पैसा इकट्ठा करके लगाएं तो हवाई जहाज खरीद सकते हैं। अरे यार सरदार जी मूड मत खराब करो, वैसे ही पेट खराब है। पापा जी कार खरीदने के तो पैसे नहीं है हम लोगों के पास, तुम हवाई जहाज की बात कर रहे हो। बजान तू कुछ निकाल तरकीब। तरकीब ये कहे भाई जान। हाँ। अबे क्या खा के आओ, बहुत बदबू कर रहा है। अरे सरदार जी कल दावत रहे, वहाँ वही गए रहन। अच्छा तो वही गोश वोश खाए हैं, बकरीद थी। हाँ तो सरदार जी बदबू कर रहे हो। एक तरकीब हमारे जहन में आई है। वो कौन सी तरकीब है? कहो तो बतावन। अब बोल 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 पुत्र बोल रहे। हवाई जहाज ना खरीदो ना क्षमता है। हाँ। फिर और ना कार खरीदे क्षमता है। हाँ। फिर ऐसा करो। हाँ। कि तीनों मिलकर के एक मोटरसाइकिल खरीदी जाए। ये बात तो सही कहा है भाई पापा जी। हाँ लोन पे ले ले। हाँ? लोन पे। और लोन पे नहीं होता, लोन पे। अरे वो काम बोलते हैं लोन पे ले लेंगे। हाँ चलो जो पैसा तो जाएगी गड्डी। अरे भजान जब पैसे कम पड़ेंगे तो लोन ले लेंगे। हाँ मेरे को तो समझ में यही आवे कि लोन ले ले। नहीं लोन ना लो। मुल्ला जी हम ये कह रहे पुरानी वाली ले ले, नकद में ले ले, थोड़े थोड़े पैसे। पुत्र दिमाग खराब है, सेकेंड हैंड गाड़ी फटफटा के चार दिन बेकार हो जाएगी। नहीं गाड़ी लिया जी है तो फिर नए लेवा। हाँ तू लौड़ ले ले। हाँ चल सोच कर मेरे को दो टून करके अभी जाना है कालवा पढ़ने के लिए। हमें जाना और हमका जाना है मुल्ला जी। अभी कथा वाचे के लिए। हाँ। हम तो चल रहे हैं भाई। अरे यार तू करने लगा, मेरे को तो मैं पीछे से करता हूँ। चलो जान यार हम लोगों ने सलाह किया था तो मोटरसाइकिल तो हम ले आए हैं, लेकिन यार हमारे दोस्त लोग हैं कहाँ? कहाँ भाईजान? ओए तूने गड्डी खरीद ली? अरे यार के लिए आए। ओए बहुत बढ़िया गड्डी है, अब इससे हम लोग बहुत लंबा बिजनेस करेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। हाँ यार जब इसको किराए पे देंगे पैसा मिलेगा। वो पंडित जी नहीं आए अभी? अरे आते होंगे। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। ओ पापा जी क्या हाल है? सब ठीक है पुत्र। और देख हाँ मौलाना साहब आदाब 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 आदाब। और आप गड्डी लेके खैरियत से हैं? बस बस आप। ओ गाड़ी आ गई। गाड़ी अभी तो लेके आया हूँ यार। ओए पुत्र गड्डी बहुत मजबूत है, बहुत। अब हम लोग इससे पैसा कमाएंगे बारी बारी से। लेकिन एक बात है, गाड़ी तो आ गई लेकिन पहले हम इसकी पूजा करेंगे। पूजा? हाँ, अगर तुम पूजा करोगे तो हम भी वाहेगुरु दा खालसा करेंगे। तो मैं अभी आया सामग्री लेकर के, मैं पहले इसका पूजा करूंगा। ठीक है, ठीक है ना? ठीक, मैं अभी आया। जाइए 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 भाईजान। शुभ शुभ काम तो जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। हाँ, इससे अब हम बहुत पैसे कमाएंगे। इसको किराए पे देंगे, बड़ा लंबा बिजनेस करेंगे। और क्या? जो पैसा बचेगा हाँ बड़ा बिजनेस करेंगे। बिल्कुल, बहुत लंबा बिजनेस करेंगे हम। हाँ, वाह क्या गड्डी लायो। अब मैं आ गया। ठीक है, अब मैं पहले इसकी पूजा कर लूँ। ओए कर लो पूजा कर लो। हाँ ठीक है, ये देखो बहुत सही है, बहुत सही है। शुभ काम करना चाहिए है। ओए पंडित जी, माला वाला तो चढ़ा दे। हाँ, ये माला वाला चढ़ा दे। ओ बहुत शुभ होएगो है। मैंने क्या करना है? मैंने देखो, हमने तो काम कर दिया अपना, कर दिया। हाँ, तो मैंने पूजा कर ली गाड़ी की। वाहे गुरु खालसा। जो देखो चूड़ा लाया है, गुरु दाया चूड़ा दाया। मैं इसके अपने गुरु वाहे गुरु का खालसा करके चूड़ा पहना दिया। अरे यार सरदार जी, जी भाई आपने वाहे गुरु खालसा का चूड़ा पहना दिया जी। पंडित जी ने पूजा पाठ कर दिया जी। जी तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए भाई। अपने अपने धर्म का, अपने अपने मजहब, अपने अपने धर्म का सबने किया। हाँ, तू भी जाके कर डाल जो भी कर रहा है। अभी कर रहा हूँ। हाँ करो। कहाँ ले जाऊं अब? मुल्ला जी क्या इस पे नमाज पढ़ेंगे? पता नहीं क्या करेंगे। ये क्या करने जा रहे हैं भाई? ओए देख, ये आरी प्लेट लेके। अरे क्या कर रहा है? अरे भाईजान, अरे आप क्या कर रहे हैं? ये आरी प्लेट लेके क्या 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 कर रहे हो? सरदार जी, सरदार जी आपने चूड़ा बनाया, हमने कुछ कहा? पंडित जी ने पूजा पाठ किया। हाँ, हमने पूजा पाठ की। माला पहनाया और हमने कुछ कहा? नहीं कहा। तुम मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तुम तो गाड़ी का सत्यानाश कर रहे हो भाईजान। अरे भाईजान, गाड़ी का सत्यानाश कर रहे हो। सत्यानाश कर रहा हूँ? गड्डी की माए बहन कर रहे हो। अरे भगवान, तुम क्या कर रहे हो? पंडित जी मैं मोटरसाइकिल की मुसलमानी कर रहा हूँ। अरे मुसलमानी करोगे मोटरसाइकिल की? सिलेंसर काट ना, सिलेंसर। अगर ये सिलेंसर काट देगा तो ये पटपट पटपट बोलेगी। या पटपट पटपट सरदार जी बोला, चाहे भक 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 बोला। ऐसे भाई हमारी सुन लो, हमारे पैसे वापस कर दो जितने मिलाए थे। हमें नहीं चाहिए गाड़ी। तुम इसका सिलेंसर काटो, इसकी टंकी काटो, हमसे कोई मतलब नहीं। यार पंडित जी, आप उल्टी सीधी बात मत करो। ओए पुत्र, कहते पैसे वापस कर दे। जब गड्डी खरीदा इसके पास पैसे नहीं तो पैसे वापस कैसे करेगा? तो गाड़ी का सिलेंसर क्यों काट रहा है? तो मैं मुसलमानी कर रहा हूँ। ओए पुत्र, मुसलमानी मत कर। अल्लाह के नाम से दुआ कर, नमाज पढ़ की इस गाड़ी से मेरा लंबा कारोबार चले, लंबा धंधा चले। देखो आज हमने मोटरसाइकिल ली, कल हम कार भी लेंगे, परसों बस लेंगे, फिर हो सकता है हम लोग हवाई जहाज भी ले ले। वो कुछ भी नहीं। पंडित जी और सरदार जी सुन लीजिए, जब तक इस मोटरसाइकिल का खतना नहीं करूंगा तब तक इसमें कोई हाथ नहीं लगाएगा। अरे मुल्ला जी, अरे अरे रुको रुको भाई रुको मुल्ला जी, तू तो बड़ा खराब इंसान है। देखो जब भी बिहारी ब्लेड लेके जुट जाते हैं मेरा खून खून खोल रहा है। अरे खून तो फिर इशादे में गड्डी क्यों खरीदी, तुम्हारा खून खोल रहा है। आप लोगों ने अपने अपने धर्म के मतलब से सारे कार्य किया है, तुम मुझे अपना कार्य करने से क्यों रोक रहे हो? ओए पुत्र मैं रोक नहीं रहा हूँ, इसका सलेंसर मत काट। ऐसा कर तू गड्डी चला, गड्डी हाँ तू गड्डी चला, और जितना एक महीने का जो पैसा मिलेगा किराया तू रख, मगर सलेंसर मत काट। नहीं सलेंसर नहीं काट रहा मुसलमान। अरे अरे सुनो भाई, अरे यार गुस्सा न दिलाए पंडित जी। ओए पुत्र सलन सरकार देगा तो गड्डी पटपट पटपट बोलेगी, रोड पे जिधर निकलेगी लोग गालियां देंगे हम लोगों को। सरदार जी हाँ। और पंडित जी हाँ, आप लोग सुन लीजिए, मैं एक एक महीने का पैसा अच्छा मुझे दे दो हाँ। तो मैं इसका खतना नहीं करूंगा। ओए पुत्र ऐसा कर तू गड्डी पे बैठ जा हाँ, और गड्डी चला हाँ। जितना पैसा किराए पे कमाएगा एक महीने का पैसा मेरी तरफ से ले जा, मगर गड्डी का सलेंसर मत काट। एक महीने का पंडित जी आपको देना पड़ेगा, एक महीने का हम दे देंगे। ठीक है तुम बैठो, कौन चलाएगा? कौन चल? और मेरे को तो चलाना नहीं आता है हाँ, हाँ तो चला। ओए हैंडल किधर लगता है पुत्र, बैठ जा बैठ जा। ओए मैं कितने बैठू है? तू धक्का लगा दे, मैंने को धक्का लगानी है। चलो बढ़ा दे।